प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने विधान परिषद स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के संबंध में सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया वर्चुअल संवाद, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पच्चीस मार्च को चौरी चौरा उपद्रव में शामिल अभियुक्तों की पहचान के लिए पुलिस ने भोपा बाजार चौराहा सहित अन्य जगहों पर पोस्टर किया चस्पा। सीओ चौरी चौरा ने कहा, उपद्रवियों की सूचना देने वाले नागरिकों को ₹1,000 का दिया जाएगा इनाम, नाम को रखा जाएगा गोपनीय। बीडीसी मेंबरों और ग्राम प्रधानों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया वर्चुअल संवाद। कहा, ग्राम प्रधान व बीडीसी मेंबर्स अधिकारियों के साथ मिलजुल कर करें कार्य, प्रदेश को बनाया जाएगा देश में उत्तम प्रदेश। एंटी रोमियो टीम का एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने किया गठन। महिला सुरक्षा के प्रति शेरनी दस्ता को किया ब्रीफ, पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय निषाद ने सपरिवार बाबा गोरखनाथ व अन्य महापुरुषों के दर्शन कर लिया उनका आशीर्वाद। कहा, मछली उत्पादन में प्रदेश को बनाना है देश में नंबर वन प्रदेश। गोरखपुर में शनिवार से सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम अलग अलग जगहों पर चलाएगी अभियान। जिलाधिकारी ने कहा, अभियान चलाकर शहर को अतिक्रमण से कराया जाएगा मुक्त, लोगों को जाम से मिलेगी निजात। पूर्वोत्तर रेलवे का विद्यालय बालक इंटर कॉलेज व बालिका इंटर कॉलेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होगा मर्ज। छात्र व छात्राओं की पढ़ाई नहीं होगी बाधित, मर्जर होने तक नए एडमिशन पर लगी रोक, पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने दी जानकारी। गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आयुर्वेद कॉलेज में दीक्षा पाठचर्या समारोह के पांचवें दिन आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एके सिंह ने कहा, वैश्विक पुनर्स्थापना की ओर अग्रसर है आयुर्वेद, समूची दुनिया के लिए आयुर्वेद है सच्चा हितैषी। जिला प्रशासन ने प्राथमिक विद्यालय के खुलने के समय में किया बदलाव। जिलाधिकारी ने कहा, 1 अप्रैल से 8 बजे खुलेगा विद्यालय, सभी विद्यालयों को दिया गया है निर्देश। संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए जनपद में 12 विभागों के सहयोग से 2 अप्रैल से शुरू होगा 30 दिनों का संचारी रोग नियंत्रण अभियान। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बैंक ऑफ इंडिया के गोरखपुर अंचल के आंचलिक कार्यालय का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एके दास ने किया उद्घाटन। कहा, यह आंचलिक कार्यालय गोरखपुर सहित 16 जिलों के बैंक के कारोबार की करेगा देखरेख, ग्राहकों को सीधे मिलेगा लाभ। एक जनपद एक उत्पाद के तहत गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर लगाया गया टेराकोटा का स्टॉल। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा, स्टॉल के माध्यम से स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को चल सकेगा जिले की फेमस वस्तु का पता, टेराकोटा को मिलेगा बढ़ावा। और 2 अप्रैल शनिवार को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू हो रहा है चैत्र नवरात्र। माँ दुर्गा इस बार आएंगी घोड़े पर सवार होकर। महानगर में नवरात्र को लेकर बाजारों में माँ दुर्गा के श्रृंगार का सामान, चुनरी, नारियल, कलश इत्यादि से सजे बाजार, भक्त बढ़ चढ़ कर रहे हैं सामानों की खरीदारी।